गुड इवनिंग, वेलकम टू म्यूजिक वेरांडा, चाय एट वेरांडा टाइम। लॉकडाउन खुल रहा है लेकिन कॉशन के साथ, फियर और वल्नरेबिलिटीज आज भी वही है, लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। चैलेंज कितना भी बड़ा हो, लड़ने और जीतने का हमेशा उसमें जज्बा रहता है। इनफैक्ट ये समय तो लॉकडाउन से भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि फियर और एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में अपने को काम रखना बहुत जरूरी। तो म्यूजिक 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 सुनना बहुत 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 जरूरी है। और जैसा कि फोन हम उठाते हैं और फोन पे बोलते हैं कि ऐसे टाइम में तभी निकलिए जब आवश्यक हो, तो आप लोग घर पे ही रहिए, हम आपके घर में एंटरटेनमेंट और म्यूजिक लेके आ रहे हैं। सो दिस इवनिंग संडे इवनिंग वी आर मेकिंग इट हैपनिंग विद आवर शो। शो का नाम क्या है प्रेरणा? धूम मचा दे, राइट? तो धूम मचा दे इज द शोज नेम, एंड वी हैव टू धूम मचा दे रॉकिंग स्टार्स विद अस, अनूप सिंह एंड प्रेरणा। सो वेलकम अनूप एंड प्रेरणा, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड टैलेंटेड परफॉर्मर्स। अनूप सिंह इज फ्रॉम आगरा, ही इज अकॉम्पनीड बाय सचिन हू इज हिज गिटारिस्ट, एंड वी हैव अनदर वेरी वेरी वर्सेटाइल सिंगर प्रेरणा, जो की भजन से लेके और रॉक पूरा रॉकिंग म्यूजिक उसी पैशन से और उसी ही फिनेसी से गाती है। सो वी वेरी वेरी हैप्पी दैट वी हैव सच टैलेंटेड पीपल फ्रॉम आगरा एंड भरतपुर विद अस। सो ओवर टू यू प्रेरणा। थैंक यू सो मच अनिला मैम, एंड लव यू। गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज प्रेरणा शर्मा, योर होस्ट, योर दोस्त फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटिंग बाय मी एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय म्यूजिक वेरांडा। आप देख रहे हैं ये प्यारा सा शो हमारे म्यूजिक वेरांडा पे, यू आर लाइव राइट नाउ एंड विद अस। ओके दोस्तों, you are watching a wonderful show of dhoom dhadaka and masti right now. Today we are celebrate kar rahe hain bhai, we are celebrating a rock evening with the chai shan and pakoda shakoda, you know. Ye time aisa hai ki is time pe barish ka bada pyara pyara suhana sa mausam hai aur bade pyare pyare se badal ho rahe hain aur बहुत सुंदर सा मौसम, तो हमने सोचा कि कुछ चाय शायर पकौड़े झगड़े के साथ हो जाए कुछ धमाल धूम और मस्ती। तो हमारे आज के जो प्यारे से गेस्ट हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। वे हैव अ रॉक पर्सन मिस्टर अनूप सिंह फ्रॉम आगरा। आगरा से हमारे बीच हैं अनूप सिंह जी, ही इज अ रॉक स्टार और बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी। और उनके साथ में आप देख रहे हैं उनकी साइड में उनके यंगर ब्रदर सचिन सिंह, जो कि बहुत ही प्यारे गिटार प्ले करते हैं और आप सभी के बीच रूबरू होने वाले हैं। आइए दोस्तों, ज्यादा लेट नहीं होते, हियर वी गो विद अस विद अ ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड सिंगिंग विद अनूप सिंह एंड सचिन सिंह ऑल्सो। ऑलराइट, तो एक बार हेलो हो जाए अनु सभी से। हेलो हेलो एवरीवन, सभी को प्रणाम। और आज म्यूजिक बरांडा के इतने खूबसूरत से आशीर्वाद मिला है कि आज लोग लाइव हो रहे हैं और एबी पेज पे मिल रहे हैं सभी से। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गायकी थोड़ी पसंद आएगी, मैं बहुत सारी नहीं कहता हूँ लेकिन थोड़ी कहता हूँ। और सभी लोगों के आशीर्वाद चाहिए मुझे कि ताकि ये शो हमारा सक्सेसफुल हो जाए और काफी लोग म्यूजिक बरांडा से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो म्यूजिक बरांडा पे आ चुके हैं सभी से मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी और लोग भी जुड़े और आप लोग अपनी रिक्वेस्टें मुझे भेजिएगा, कोशिश करूंगा मैं पूरा करने की, वादा नहीं करता हूँ कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू। आइए एक सॉन्ग की आज का थीम है धूम मचा ले, तो कुछ इस टाइप से कुछ उठाते हैं और हमारे रफी साहब बड़े फेमस हैं धूम मचाने में, तो उन्हीं का एक सॉन्ग मैं आप स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग उनके सॉन्ग से। Everyone.
और जिस रॉक स्टाइल में आपने जो स्टार्टिंग की है इट वाज ऑसम और आप भी सचिन बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने निभाया इसको थैंक यू सो मच और गाइस आई वांट टू रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जितना जल्दी हो सके आ जाए एज सून एज पॉसिबल इफ यू वांट टू कम हियर जस्ट कम एंड जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल इवनिंग बिकॉज चाय शाय और पकौड़े शकौड़े के साथ में म्यूजिक मिल जाए तो आनंद ही आ जाते हैं दोस्तों आइए हम चलते हैं एक बार फिर से अनूप जी के साथ में अच्छा इनके बारे में एक सीक्रेट पता चला वो बताना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू शेयर दिस कि ही बिलोंग्स फ्रॉम उत्तराखंड ये पहाड़ी बॉय हैं दोस्तों लग नहीं रहे क्या अच्छा लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा अनम्यूट करें अनूप यदि कुछ कहना चाहते से समथिंग जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट करिए तो ये दोस्तों उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं देवभूमि से पहाड़ी के रहने वाले पहाड़ी बॉय हैं ये हमारे और बहुत ही जितना प्यारा ये गाते हैं उतना ही अच्छा इनका दिल भी है दोस्तों तो आइए एक बार फिर से एक प्यारा सा परफॉर्मेंस लेते हैं इनसे बहुत ही खूबसूरती के साथ में तो क्या सुनाना चाहेंगे अनूप जी बताइए अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ हाँ जी क्या सुनाना चाहते हैं हमारे अनम्यूट करना भूल गया डजंट मैटर नो प्रॉब्लम भाई एसी को म्यूजिक बनाना कहते हैं कि आदमी आते एकदम ऐसा खुश हो जाता सब कुछ भूल जाता है और ये 5 महीने हमें पता नहीं लगे कि क्यों मैं स्टार्टिंग से हूँ म्यूजिक बनाना में तो ये 5-6 महीने जो निकले पता भी नहीं चला और मैं थैंक यू अनिला मैम को बोलना चाहूंगा कि इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है म्यूजिक बनाना से म्यूजिक से रिलेटेड लोग जो है जो म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं तो उनके लिए एक म्यूजिक बरामदा नहीं मैं तो कहता हूँ म्यूजिक वरदान है उनके लिए तो मैं आइए दिल की बात आपने छेड़ी है तो मैं कुछ दिल से अकॉर्डिंग कुछ बोलता हूँ किशोरदा का बड़ा प्यारा सा अंदाज है और मैंने बहुत उनको गाया भी है कोशिश कर रहा हूँ अपना ही साया देख के तुम
जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या शहनाई मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के शहनाई मेरे दिल को दुआ कीजिए, पूरे म्यूजिक बनाना टीम को, अनिला मैम को, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था इन सब के बिना। और मेरे जितने भी बड़े हैं, मेरे गुरुजन जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे हैप्पी फ्रेंड्स वगैरह, उनके लिए, उन सभी के लिए, जितने मेरे मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे आगरा वासी जितने भी हैं और मुझे पूरी दुनिया देख रही है, उनके लिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, हो हो हो, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पसंद लो मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही तनों फैसला लीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, प्यारा और बिल्कुल ऐसे झूम के गाते हो कि यार हमारा भी दिल झूमने का घर आता है, इतने मस्ती के साथ। दोस्तों देख रहे हैं ना आपके कितने झूमते हुए मस्ती के साथ में हमारे अनूप जी इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। यू आर लाइव ऑन फेसबुक विद जूम एंड विद म्यूजिक वेरांडा, और इस वेरांडा में बहुत सारी वेराइटीज हैं दोस्तों आपको देखने और सुनने को मिलेंगी हमारे अनूप जी के साथ में। इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट यू कैन जस्ट टेल मी ऑन योर चैट, यू कैन नोट डाउन और बताते रहिएगा, जरूर हम आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मौका, ये मौसम कुछ इस तरीके का है कि हम लोग सभी थोड़ा सा ऊब गए हैं, परेशान से हो गए, लेकिन दोस्तों वरांडा है ना,
परेशानी की कोई बात नहीं है। और बताना चाहूंगी कि बड़ी दूर से अनूप जी उत्तराखंड से आगरा आए और आगरा से फिर वरांडा पे आए और वरांडा से आप लोगों के दिल में छा रहे हैं। थैंक यू सो मच अनूप। आइए एक बार फिर से हम चलते हैं। ओके सॉरी मैं जरा वेलकम और कर देती हूँ हमारे अभी फ्रेंड्स का। वी हैव सम अभी फ्रेंड नीना मैम वेलकम, शुभी अरोरा जी वेलकम टू, और रेनू मैम वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच में हैं। और हाँ हमारे बीच जुड़े हैं मधु मुकेश जी, प्लीज वेलकम सर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं प्रेरणा शर्मा आप सभी के बीच। और चलते हैं एक बार फिर से कुछ रॉक लेते हुए। अच्छा मैं ये चाहती हूँ अनूप जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आप एक मेरी एक फरमाइश पूरा करेंगे प्लीज। आप वो गाना गाते हैं क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, तो क्या वो आप मेरे लिए सुनाएंगे आज? बिल्कुल मैम, कैसी बात कर दी आप। थैंक यू सो मच, प्लीज गो अहेड। ठीक है ये, लेकिन ये ध्यान रखिए आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो आप भी बहुत अच्छा गाती हैं तो आप भी तैयार रहिएगा। हाँ आपसे ही सीखा है। हमारा नंबर आएगा बराबर करते हैं। जी जी जी, आज के हीरो आप हैं तो आप, वैसे भी आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हैंडसम बॉय लग रहे हैं आप, बिल्कुल कूल। थैंक यू। चलिए आई एग्री टू दैट प्रेरणा, यू बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अनिला मैम। और ये स्पेशल वेलकम टू ऑल आगरा वालास, मैं भी आगरा की हूँ तो आगरा वालों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है, राइट अनु? बिल्कुल मैम बिल्कुल। Over to you, अनुप जी। मैं बस एक मिनट चाहूंगा, एक मिनट आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, मैं एक मिनट चाहूंगा। जी बिल्कुल। दोस्तों हम जो है बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं और आप जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, बस हमें चाहिए कि आप सभी का साथ हमें मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे। आ जाइए, फोटो खींचनी है हमारे बीच में। मैं बताना चाहूंगी कि आपसे हो जाए, आप हैं मधु मुकेश जी हैं तो म्यूजिक वरांडा सुना क्यों रहे, तब तक आप लोग गाइए, आप या मधु मुकेश जी जो भी। या बिल्कुल मधु मुकेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इफ यू वांट टू सिंग समथिंग प्लीज, इनके बारे में बताना चाहती हूँ दोस्तों। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट योरसेल्फ। मधु मुकेश जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ मुकेश जी को अपने आप में ऐसे पिरोते हैं कि पता ही नहीं चलता दोस्तों कि मुकेश जी खुद गा रहे हैं या ये ही सामने हमारे मौजूद हैं। और ये बहुत सारे लाइव शो करते हैं और बिल्कुल इन्हें स्पेशली बुलाया है इसलिए जाता है कि मुकेश जी को हमें साक्षात सुनना है, फील करना है, महसूस करना है, और वो आपको महसूस होगा अभी। चलते हैं मधु मुकेश जी के साथ एक प्यारा सा सॉन्ग लेते हुए और उसके बाद अनूप जी आपके पास हम फिर से लौटेंगे। थैंक यू सो मच, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड प्लीज मधु मुकेश जी। तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कंवल जितने चाहोगी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक बार मैं जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ सर आपके लिए। वाकई में बिल्कुल ऐसा फील होता है कि मुकेश जी हमारे बीच में हैं। और दोस्तों हकीकत है
कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम वरांडा पे आना प्रिय, तब तुम वरांडा पे आना प्रिय, हमारा दिल हमेशा खुला है और खुला ही रहेगा। वरांडा दोस्तों सभी के लिए खुला हुआ है, आ जाइए एज सून एज पॉसिबल, जस्ट कम एंड कनेक्ट विद अस। चलिए दोस्तों हमारे बीच में अनूप जी आ चुके हैं, उनकी प्रेजेंट मौजूद है, आइए आइए चलते हैं एक बार फिर से। अनूप जी प्लीज ओवर टू यू। आइए प्रेरणा जी, आपकी रिक्वेस्ट थी मैं उसको पूरा करूं। जी क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, हमारे बीच में और भी बहुत लोग हैं, आप जब तक टाइम लेंगे हमारे, हम टाइम को रून नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल, हमारे पास जो समय है। मैंने क्या बोला प्रेरणा जी, म्यूजिक बरामदा में मैं एक अकेला लौता नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे हमारे बहुत दिग्गज जो हमारे सीनियर है बहुत बढ़िया गाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि अभी हम वेट करें किसी का, अब हम बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे छोड़ा है, वेट करने का तो टाइम ही नहीं है म्यूजिक बरामदा में। वरांडा जो है एक बंच ऑफ यूनिटी है दोस्त, और यहाँ पर एक दूसरे की कमी को खलने नहीं दिया जाता और कमी को महसूस नहीं होने दिया जाता। आप थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हम लोग आपके पास आपका इंतजार करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए चलिए दोस्तों चलते हैं अनूप जी के साथ बड़ी खूबसूरत सा सॉन्ग लेते हुए, क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, मेरे का क्या बात है, लवली बहुत प्यारा गाया आपने, थैंक यू सो मच, और स्पेशली आपने मेरे लिए ये गाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच अनूप जी। और दोस्तों ये हमारे रॉक स्टार हैं आगरा से, और जल्दी जल्दी से अपनी जो भी फरमाइशें हैं, यदि आप चाहते हैं कि कुछ और आप अपने मन का सुनना चाहते हैं तो हमें प्लीज जरूर बताइएगा, वी कैन ट्राई अवर बेस्ट कि आपकी ख्वाहिशें कंप्लीट हो सके। और अनूप जी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, मैं बताना चाहूंगी आपको, ये रेनू गुप्ता मैम है दिल्ली से हमारे बीच में, हेलो रेनू मैम, आई होप कि आप वहाँ पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे, और उनकी एक प्यारी सी फरमाइश आई है, रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा मस्ताना,
जी। और हाँ, इनके एक और चाहने वाले हैं हमारे गौरव जैन सर, जीजे जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारा मेन पिलर हैं हमारे इस वरांडा के। दोस्तों बहुत ही प्यारे से एंड रॉक एंड बहुत ही हैंडसम बॉय जिन्हें हम कहते हैं, और वो हमारे बीच में अभी कनेक्ट हुए हैं। और उन्होंने भी बोला है अभी तुरंत ही कि मैम मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आप हमें रूप तेरा मस्ताना सुनाए। तो दो दो यहाँ पे फरमाइश है और बड़े प्यारे से लोगों के साथ, तो उसे आप शुरू कर दें बस बिना देरी करें। ओके 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 रात नशीले मस्त समा है आज, नशीले म्यूजिक बरन है रात नशीले मस्त समा है आज, नशीले सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बेकार, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हम तेरा हो जाए। आँखों से आँखें मिलती है बेचैन होके तुम मेरे हो, आँखों से आँखें मिलती है बेचैन होके तुम मेरे पे हो, कोई चाहे Fabulous. What a combination between two brother. देखिए कितने प्यारे तरीके से एक दूसरे को coordinate कर रहे हैं. Lovely यार. It is too good. तो दोस्तों मजा आया ना? है ना ये rock star? वाकई में इनकी सिंगिंग बहुत प्यारी है. तो चलिए एक और फरमाइश हमारे बीच में आई है. अनूप जी आप तैयार हैं ना फरमाइशों के लिए? आप इतना अच्छा गाते हैं कि फरमाइशें अब शुरू हो गई हैं भाई. हमारे बीच में हैं अनिला रामपुरिया जी, बहुत ही प्यारी सी लेडी हैं, बहुत ही प्यारी मेंटोर हैं दोस्तों, जो सबसे पहले रूबरू हुई थी आपको इस सेशन में. तो चलते हैं, उनका बड़ा प्यारा सा एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, पहला नशा पहला खुमार. इंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को. चलिए अनूप जी. थैंक यू सो मच अनिला मैम ने रिक्वेस्ट करी मेरे लिए. लेट्स गो. मैं इसके लिए बड़ा प्यारा सा ये सॉन्ग, ये म्यूजिक बनाना में मुझे जिन्होंने एक मुकाम हासिल कराया वो यही है. गॉड से देखिए इनको, यही है अनिला. दिस इज फॉर यू. Thank you, Anoop. I'm looking forward to it. Pehla nasha, pehla kumar. नया प्यार है नया इंतजार,
कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला Oh,
थैंक यू गलती हो गई है गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहूंगा अपने सीनियरों से वंडरफुल थैंक यू सो मच वेरी ब्यूटीफुल I want to tell you, Anoop, you were singing and Anila ma'am just enjoyed a lot. और इतना मतलब अच्छे से झूम के enjoy कर रही थी आपको इतनी blushes इतना इतना सारा प्यार आपको दे रही थी you know. और thank you so much. I think you have to rest and you have to take a rest and some water you can take. है ना आप कुछ बूंदे पानी की पी सकते हैं आप थोड़ा सा आपको थोड़ा अच्छा लगेगा आपके गले को रेस्ट मिलेगा मैं समझ सकती हूँ मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो वेदर इंप्रेशन की वजह से थ्रॉट प्रॉब्लम हो जाता है डजंट मैटर इनका कंस्ट्रक्शन दोस्तों काफी हमारे बीच डस्ट के कारण दिक्कत हो रही है राइट अनु या डेफिनेटली ब्रीथ प्रॉब्लम हो जाती है कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑलराइट थोड़ा सा क्रैश हो रही थी आवाज तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि वी हैव सम अनदर गेस्ट अनदर व्यूअर्स आल्सो ऑन एफबी और मैं उनका स्वागत भी करना चाहती हूँ क्योंकि उनके बिना हम अधूरे हैं आशा जी पुष्पा जी एंड अंकित जी दीपक जी एंड मोंटू सर वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गुड टू सी यू एवरीवन और वी हैव सम रिक्वेस्ट आल्सो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कंप्लीट दीज ओके डजंट मैटर जब तक कि अनूप आते हैं मैं आपको लिटिल बिट एक दो लाइनें सुनाती हूँ आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ओके हियर वी गो Check it out, guys. Oh, tum jo mil gaye ho, to ye lagta hai ki jahan mil gaya. ki jahan mil gaya. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये है लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया बैठो न दूर हमसे देखो खफा न हो बैठो न दूर हमसे देखो खफा न हो किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा हो किस्मत से मिल गए हो मिलके जुदा हो दिल की क्या खता है दिखत सही तुम जो मिल गए हो तो ये है लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया थैंक यू सो मच आई होप यू डिड एंजॉय दिस सॉन्ग थैंक यू जब तक अनूप आ रहे हैं तब तक आप और कुछ भी सुनाएं बहुत मजा आ रहे हैं या बिल्कुल बिल्कुल मैम संडे इवनिंग रॉकिंग चलिए
या डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी. चलिए कुछ मतलब कैसा सुना हुआ अनिला मैम, आप बताइए. कुछ इसी टाइप का रॉक पैटर्न लेते हुए या कुछ अलग? चलिए ठीक है, एक और मैं सुनाती हूँ. मुझे प्रॉपर नहीं पता कि वो किस टाइम का है, बट आपको अच्छा लगेगा. ओके ओके अभी फ्रेंड्स बिल्कुल हम अनुप के साथ अभी लौटेंगे, तब तक एक और छोटा सा सॉन्ग लेकर के मैं चल रही हूँ आप सभी के साथ. Here we go once again with me. La 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 la. तू है वह दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. हो मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, ओ मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. ऑल राइट आगे चलते हैं. मैं आवाज़ हूँ तू है गीत मेरा, ओ मैं आवाज हूँ तू है गीत मेरा. जहाँ से निराला मन मीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. हो मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, हाँ ये वादा रहा. थैंक यू सो मच. और सॉरी मैं बीच में थोड़ा म्यूजिक देने की कोशिश कर रही थी. आई होप कि आपको याद आया होगा कि ये क्लैप बीच में है. थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस. ऑलराइट अनूप इज बैक. हमारे बीच अनूप जी फिर से मौजूद हैं. आई होप अनूप के अब आप थोड़ा सा अच्छा बेटर फील कर रहे होंगे. आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक. अभी मेरे पर रिक्वेस्ट आई थी एक, शायद रेनू मैम की रिक्वेस्ट पर बदन पे सितारे. All right, बिल्कुल आप जल्दी से फ्रेश फील कीजिए. हमारे पास और भी हमारे पास रिक्वेस्ट है, ठीक है. दीपक जी की रिक्वेस्ट है, पुष्पा जी की रिक्वेस्ट है, मोंटू जी की रिक्वेस्ट है. ओके डोंट वेस्ट अवर टाइम, चलते हैं फिर से एक बार. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना के दिल जा रही हो, जरा पास जाए. Enjoy this song, everyone. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना के दिल जा रही हो, जरा बताओ तो चैना जाए, जरा बताओ तो चैना जाए. बदन पे सितारे
सारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो ना पाताओ तुझे ना जाए ना पाताओ तुझे ना जाए हमें जब न होंगे तो कैसे रुका किसे देख आए शर्माओगी न देखोगी फिर तुम कभी आएगा हमारे बिना रोज घबराओगी बदल में सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो सदा पाताओ तुझे ना जाए सदा पाताओ तुझे ना जाए बदल में सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो सदा पाताओ तुझे ना जाए ना पाता तुझे ना जाए अजय मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा अजय मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ म्यूजिक बना दगे दंगे शाम देखो 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 अरे मेरी म्यूजिक बनाता अरे मेरी म्यूजिक बनाता अरे ये सब मौका मेरे कहाँ मिलेगा मारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ जिंदगी एक रंगे जाओ देखो 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 अरे मेरे म्यूजिक बराजा अरे मेरे म्यूजिक बराजा थैंक यू सो मच और बहुत सारी रिक्वेस्ट यू आर माइंड ब्लोइंग अनु भाई थैंक यू अनु भाई आप सुन रहे हैं मुझे जी सर नमस्ते सर परसों ही उनकी शशि कपूर साहब की डेथ एनिवर्सरी थी और आपने उनका गाना गाया मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक्स अ लॉट थैंक यू वेरी मच मैं फरमाइश करने वाला था पर आपने मुझे गा दिया थैंक यू सो मच सर मैं तो आपका फैन हूँ आपकी आवाज मेरे दिल में घुस चुकी है और मतलब यहाँ बैठ गई है सर थैंक यू लगता ही नहीं है कि मुकेश जी हमारे बीच नहीं है नहीं तो हमेशा यहाँ पे हैं और आपने तो उनको लाके ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना था मैं तो फैन हूँ थैंक यू सो मच मधु मुकेश जी के साथ में हमारे मधु मुकेश जी के वजह से हमारे बीच में मुकेश जी हैं अनूप जी और न जाने इस ब्रह्मांड में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मुकेश जी की पूरी परछाई बने हुए हैं उनके प्रतिबिंब बने हुए हैं उनमें से एक दोस्तों वरांडा पे हमारे साथ मधु मुकेश जी हैं चलिए एक बार फिर से मैं एक फरमाइश आई है अनूप जी हमारे पास टाइम थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है और हमें क्या करना है कि हम एक स्टैंजा गाएंगे और उसके साथ में एक स्थाई गानी ओके आप समझ गए ना तो हमारे पास बहुत सारा हम लोग सभी की फरमाइश पूरा करना चाहते हैं ठीक है तो चलते हैं एक दीपक राणा जी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है मेरे सपनों की रानी कब आएगी बिल्कुल ओवर टू यू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मत रानी कब आएगी तू बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मत रानी कब आएगी तू बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया चलिया क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू अरे रुत
गानी अब आएगी तू, प्रीति जाए दिल से गानी अब आएगी तू, चलिया चलिया। और आइए पुष्पा मैम की एक, पुष्पा मैम की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं पूरा गाना तो मुझे नहीं आता लेकिन मैं जरूर गाऊंगा दो लाइनें उनके लिए। आई थिंक वो मुझे सुन रही है, उनको नमस्कार मेरा। पुष्पा मैम के लिए इसी में दो लाइनें। गुम है किसी के प्यार में दिल से बाजा, तुम्हें दिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, आए ना तुम है किसी के प्यार में दिल सुभाषा, लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, आए ना Thank you so much अनूप जी। और एक और बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है नीले नीले अंबर पे, प्लीज आप इसे पूरा करेंगे। जी जी सॉरी ओके कैपो किधर है? नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। Thank you. It was great. Thank you so much. You were using two scale between your singing. I know very well. कि दो scale के साथ दोस्तों गाना थोड़ा सा typical हो जाता है. Yes, I know कि थोड़ा सा high pitch है, high scale है. But तो इसके लिए एक साथ यूज करना थोड़ा टिपिकल है, आप जानते हैं। थैंक यू वंस अगेन यू बोथ। अनिला मैम की रिक्वेस्ट थी कि एक मैशअप हो जाए। या डेफिनेटली। और मैं चाहूंगी अनूप जी कि चलते चलते जो है आप मैशअप के साथ साथ, आप जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली हैं, तो मैं चाहूंगी कुछ गढ़वाल का भी लिटिल बिट आपको थोड़ा सा समय सुना के जाइएगा जरूर, ठीक है? चलिए ओवर टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू सिंग यू कैन सिंग। आइए छोटा सा मैं एक, जैसे हम लोग उत्तराखंड से हैं तो मैं मेरे भाई के साथ में एक छोटा सा गाना गुनगुनाता हूं।
गले माँ लगे मेरु तेरे पिंगली साड़ी माँ मेरी आजू तेरे गले माँ चोनी तेरे छोटी को दिल हस दिखती गलम दिल आगी गल करी जानी किसी चुपरे बिछी लगानी मुगड़ी माँ वो मुगड़ी माँ झपाक मरी दूं जो तेरी पंजड़ियों माँ आसली मिल दिया लगी दे तेरी नौ दर मुगड़ी माँ आस पकती रह क्यों और यही तेरा घुमो करे माँ ठंडोरे ठंडो मेरो पानी की आवाज ठंडोरे ठंडो मेरो पाड़े की आवाज पानी ठंडो तेरे बाजी मुरु गुनी वो मेरा जानी नगाये हो माँ थैंक यू। और आइए ये मेरे उत्तराखंडी भाई लोगों के लिए मैं छोटा सा ये मुखड़ा था। इसी टाइम फिर से हम म्यूजिक बरांदा पे लाइव होंगे और स्पेशली उत्तराखंडी सॉन्ग होंगे उसपे, क्योंकि ये म्यूजिक बरांदा ही पॉसिबल कर सकता है। और मैं भी चाहूंगा कि म्यूजिक बनाने से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी जो मातृभाषा है, हमारी सबकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम हिंदी में भी कई भाषाएं हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो जो अपनी भाषा का जो है वो अपना फोक एक प्रोग्राम रखें, और सब अपने अपने लिए, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, तो वो इस टाइप से एक एक इवनिंग जरूर हो। और आइए एक सॉन्ग मेडले मेरी तरफ से, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत कम है। ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये खील से नीली आगे कोई रात गैन में गहरा था क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया क्या उसके तुम्हें बनाया एक चीज गया मत भी है लोगों ने सुना कर तुम्हें एक दिन हमने जाना वो ठीक का करते वो ठीक का करते है चल मिले ही जालिम कुछ ऐसी भला का जादू सौ बार संभाला दिल को दिन हो के रहा बेकाबू था करूं क्या उसके इसने मेरे करूं क्या उसके इसने तुम्हें बनाया कनी एक ताब में आई और कनी गाल हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आंखुनी से चार हुई रात कनी एक ताब में आई और कनी गाल हुई ये सुना मत कनी एक प्यार का नजमा है मौजों की रवानी है जिंदगी तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नजमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ
नहीं तेरी मेरी कहानी है। ला 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 बार बार देखो हजार बार देखो ये देख देख चीज है हमारा दिल पता है बार बार देखो हजार बार देखो ये देख देख चीज है हमारा दिल पता है हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका यूं तो मचत गए हो क्योंकि फिसल गए हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका तुम चल गए हो क्योंकि पिसल गएगा थोड़ा
कदम थोड़ा दिल ये लम्बे थोड़ा करा रोज
जी बोल दो ना वो एक सॉन्ग और है प्लीज। हाँ मेरा साथ मेरे भतीजा है वो भी ये प्ले करता है, आओ ठीक है आ जाओ। मेरा एक छोटा सा भतीजा है आप क्या तो लगता है सभी रॉक स्टार है सचिन ने जी मैम बिल्कुल अनूप जी व्हाट्स हिज नेम वाओ इट केड यार ये तो बहुत छोटा है बड़ा प्यारा सा क्यूट ही इसका नाम वैसे नीरव है लेकिन इसको घर में चीकू बोलते हैं सब लोग। वेलकम चीकू और ये पूरा हमारा म्यूजिक बरामदा पे हेलो यू आर लुकिंग सो कूल गाय लवली वी आर एक्साइटेड यार दोस्तों हमारे बीच में नए मेहमान चीकू हमारे बीच मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से ये बहुत प्ले करने वाले हैं अनूप के साथ। ओके हियर वी गो ये चांद सरोशन चेहरा मौका रंग सुनेरा कोई रात गई में गहरा था क्या ऐसे ने तुम्हें बनाया ये चांद सरोशन चेहरा सुल्फों का रंग सुनेरा ये चीज कोई रात गई में गहरा था है चाल तेरी चाल कुछ ऐसी बला का जादू तो बात संभाला दिल को तेरा बेकाबू था एक सॉन्ग में डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे वीरों के लिए
या डेफिनेटली क्योंकि कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आज मेरे को मौका मिला है तो मैंने सोचा एक सॉन्ग उनके लिए बता दूं। शीश में दो तलवारों में क्या, ये केसरी मूवी से बड़ा प्यारा सा सॉन्ग, आई थिंक म्यूजिक बनाने में सभी लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी गाने तो बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है तो उसके अभाव से थोड़ा सा एक और। नो प्रॉब्लम दोस्तों, कोई बात नहीं। ओके हमारे बीच दोबारा से अनूप। मेरे घर में
मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। Thank you. Jai Hind. Jai Hind. A big salute of our whole October जितने भी हमारे soldiers हैं उनके लिए definitely आपने बहुत प्यारा एक tribute दिया है और ये डेडिकेट किया है अपने सोल्जर्स के लिए और एक बार सभी मिलकर के बोलेंगे वंदे मातरम। ऑलराइट थैंक यू अनूप जी। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई वांट टू रैप अप दिस शो। थैंक यू वंस अगेन और थैंक्स। या दो फर गए हैं हमारे म्यूजिक वेरांडा के लोग हैं शुभी अरोरा जी और मोंटू मोंटू जी की तरफ से है और ओ मेरे दिल के चैन जो है शुभी मैम की तरफ से आई थिंक। एम आई राइट अनिला मैम? शुभी मैम की एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यस सर। एंड ओ मेरी शर्मिली या दोनों सॉन्ग हैं प्लीज। मैं पक्का पक्का आपको सुनाऊंगा। मेरे को बस स्टार्टिंग का आता है। मैं स्टैंजा वो जो स्टार्टिंग का होता है मैं पहला वो सुनाऊंगा। आइए मोंटू जी की दो लाइनें मैं सुना देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ मेरे को पूरा गाना नहीं आता। ओ मेरी शर्मिली ओ मेरी शर्मिली ओ मेरी शर्मिली आओ ना करता हूँ ना आओ ना करता हूँ ना ओ मेरी शर्मिली। सॉरी मेरे को मैंने गाना पूरा सुना नहीं है। सुना तो है लेकिन बहुत टाइम हो गया गाया नहीं। नो प्रॉब्लम। ओके आइए सुभी मैम की एक रिक्वेस्ट थी सुभी अरोड़ा जी की। वो मेरे दिल के चैन मैं दो लाइनें सुना। सुभी मैम ये आपके लिए दो लाइन। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं आप जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं मांगा मैं तुम्हें दुनिया चैनाई मेरे दिल को डुबा दीजिए ओ मेरे दिल के चैनाई मेरे दिल को डुबा दीजिए आप तारे माप का नाम ठिकाना
दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को घुमा दीजिए अपना ही साया देख के तो जान जहां शर्मा गए अब तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो सुनरा ये रात भीगी थी ये रात भी जाए धीरे धीरे प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मात बिदाए उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा चांद प्यारा प्यारा थैंक यू क्या बात है अनूप जी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे अनूप को ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ ये क्वारंटाइन टाइम में जैसा कि हम लोग जानते हैं परफॉर्मर्स के काफी एंगेजमेंट्स कैंसिल हुए थे लेकिन इन लोगों में इतना धैर्य है इन सब परफॉर्मर्स ने और जिसकी मैं दाद देती हूँ हर वॉर की कोई सेनानी होते हैं और मुझे लगता है इस वॉर के ये म्यूजिक क्रूसेडर्स हैं जिन्होंने हमको इतना हमको हैप्पी रखा हुआ है इतना हम जो पेशेंस है आज एटलीस्ट हम लोगों में जो इतने म्यूजिक वरांडा में है आप लोगों के कारण है तो बहुत बहुत सल्यूट आपके इस पेशेंस को इस परसिवेरेंस को और इस स्माइल को और इस जज्बे को मतलब इतनी एनर्जी आप में है कि वो एनर्जी आप दूसरों में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं इतने डिफिकल्ट और इतने विषम टाइम में बिल्कुल सही बोला अनिला जी ने और म्यूजिक हील्स तो आप हील कर रहे हैं हम बहुत सारे लोगों को तो और अगर म्यूजिक हमारे नहीं हम और आगरा के लोग हैं अनूप एक मिनट आगरा के जो लोग हैं वो तो जरूर अनूप मतलब आपने आगरा में इतना अच्छा रॉकस्टार है तो आगरा के लोग को जरूर जैसे चीजें ठीक होती हैं, I'm sure they should connect with Anoop and Anoop is actually part of all the most of the events in Agra. But I want कि Anoop और भी इवेंट्स में ऐसे ही रॉक करें और ऐसे ही एनर्जाइज करें सारे इवेंट्स को. So thank you Anoop so much and because of you Agra is so happening. और एक गाना चलते चलते डुएट आपका और प्रेरणा का तो हो जाए. आप लोगों के डुएट के बिना तो ये शो अधूरा है. Thank you so much and love you Anila ma'am. Thank you. Which one do you want Anoop ji? Okay. वो लेते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे. Okay. ठीक है. चलिए. Okay. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो क्या दो बदन एक दिल एक जान हो गई मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए. दो बदन हा एक दिल हा एक जान हो गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं दो बार पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर
डरे दिल के मालिक हम हर जन्म में तुम्हें आजकल तेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर खबर हो गई। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चाहूंगी कि रेनू मैम आप कुछ अपने श्रीमुख से दो प्यारे प्यारे शब्द हमारे लिए, हमारे वरांडा के लिए, हमारे एवरी फ्रेंड्स के लिए कहें। प्लीज ओवर टू यू रेनू मैम। थैंक यू प्रेरणा, और मजा आ गया। मतलब संडे इस फंडे बोलते हैं कि मजा होना चाहिए और आप दोनों ने मजा समा बांध दिया। आप दोनों सच में रॉक स्टार है। हम रोज तो देखते ही आपको, सुनते हैं, झूमते हैं, और आज आपने सब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को झुमा दिया। तो लॉट्स ऑफ लव बोथ ऑफ यू, बहुत मजा आया। थैंक्स अ लॉट हमारा संडे धमाल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए। आगे भी ऐसे ही रॉकिंग आप नंबर्स देते रहे और वरांडा और सबको महकाते रहे। थैंक यू। कुछ दो लाइनों में अनु आप हमारे बारे में बताना चाहेंगे? पूरी दुनिया का आज लाइक एवरीबॉडी इज लविंग यू ग्लोबली, सो थैंक यू। पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। म्यूजिक वेरांडा वेलकम, ऑलवेज वेलकम अनिला मैम, लव यू। थैंक यू, बाय एंड लव यू, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगी कि केवल दो लाइनों में या कुछ छोटे से शब्दों में अनूप आप और मेरे बारे में कुछ बताएं कि हम लोग कैसे मिले और हम लोग किस तरीके से शो करते हैं या नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेट है कि ये क्वारंटाइन टाइम जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर से धमाल और मस्ती करेंगे एक साथ, लोगों को इंजॉय कर पाएंगे। या इन शॉर्ट वे आप जो है थोड़ा सा बताइए प्लीज। श्योर, ओके। अनूप में 4 साल पहले मिले थे। धीरज जी का एक मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, टीम ओरिएंटेशन, और जैसा कि म्यूजिक हमेशा मेरे हर चीज में म्यूजिक मेरे मैं कोलैबोरेट करती हूँ, तो मैंने उनको बोला वर्कशॉप के बाद मुझे एक म्यूजिक सेशन करना है। तो उन्होंने बोला कि एक है लड़का, एक अनूप है। मुझे लगा कि पता नहीं उसकी एनर्जी इतनी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटिंग सेशन था। उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेटिंग और एनर्जाइजिंग सिंगर चाहिए था। तो उन्होंने अनूप से, जब अनूप का मैंने सुना और मुझे इतना मजा आया कि वो सेशन आज तक लोग याद करते हैं। वीआरडी में जो सेशन हुआ था आज तक लोग याद करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू धीरज जी जिन्होंने मुझे मिलवाया अनूप से। फिर 4 साल से मैं अनूप से कनेक्टेड हूँ और काफी हम लोग बातचीत व्हाट्सएप पे, जो भी नए शोज हैं, म्यूजिक एल्बम्स वगैरह वो शेयर करते हैं। और जब क्वारंटाइन शुरू हुआ तो हमने जैसे म्यूजिक वेरांडा स्टार्ट किया तो मैंने अनूप को कांटेक्ट किया और उसी दिन अनूप जुड़े हमसे। और आई थिंक अब 4 महीने से ज्यादा हो गया है और अनूप ऑलमोस्ट हर रोज शाम को कुछ ना कुछ देर के लिए जरूर आते हैं म्यूजिक वेरांडा में और अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रेरणा को भी अनूप ने ही हमसे मिलवाया एंड शी इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ। और इतना सुंदर शो भी होस्ट करती है, गाती भी है भजन प्रोग्राम, और सबसे सुंदर इतनी शी सच एजुकेटेड, और इतनी इनका जो मंत्र उच्चारण है, इनकी जो भाव है वो इतने प्योर है, इतने सुंदर है कि कोई भी प्रोग्राम होता है प्रेरणा को हम जरूर जरूर याद रखते हैं और जरूर इन्वॉल्व करते हैं। प्रोग्राम की एक शोभा और एक वो उसको और एलिवेट कर देती है। सो थैंक यू प्रेरणा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रेनू, और रेनू ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है धूम मचाने। पिछले संडे को इसी ने बोला था संडे बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो हमने पिछले संडे भी यही प्रोग्राम किया था और इस संडे भी ये प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम तुम्हारी इंस्पिरेशन से है। थैंक यू सो मच, और आई एम प्राउड ऑफ यू, आप लोग इसको सक्सेसफुल बना रहे हैं और बस आगे भी आपको ऐसी सक्सेसफुल लाइफ मिलती रहे यही प्रे करते हैं। लेकिन इतना हम्बल, इतना स्वीट है, इतना हम्बल है और इतना रिस्पेक्टफुल है, बहुत इज्जत देता है सबकी। तो बहुत वेरांडा में सब लोग बहुत पसंद करते हैं अनूप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
सब आप लोगों का प्यार है मैम, मुझे इतने अच्छे लाइफ ऑफ